नमस्कार, जेबी डायमंड एंड कार्प विद्या संकुल में आपका स्वागत है। संस्था श्री भावनगर जिला लेवा पटेल एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रस्ट सूरत का रजिस्ट्रेशन चैरिटी कमिश्नर द्वारा 2002 में हुआ। इसमें हमारे कुल 90 ट्रस्टीगण हैं। संस्था का पहला सोपान श्री जे बी एंड कार्प विद्या संकुल की स्थापना के स्वरूप खात मुहूर्त विजयादशमी के शुभ दिवस सन 2005 में माननीय श्री महामंडलेश्वर जगदीशानंद जी स्वामी महाराज श्री की उपस्थिति में हुआ था। संस्था का दूसरा सोपान श्री जी जी झड़फिया मेडिकल सेंटर है, जिसका शुभारंभ 14 जनवरी सन 2007 में माननीय धर्म बंधु जी पासला की उपस्थिति में हुआ था, जिनके मुख्य दाता श्री धनजी भाई झड़फिया और उनका समग्र परिवार है। संस्था का तीसरा सोपान श्री देवराज भाई बावा भाई तेजाणी मेडिकल सेंटर और मेडिकल स्टोर है, जिसका शुभारंभ 21 अक्टूबर 2007 दशहरे के शुभ दिन को हुआ था, जिसके मुख्य दाता श्री अनुभाई तेजाणी हैं। जे बी एंड कार्प विद्या संकुल के मुख्य दाता जे अर्थात जीवराज भाई सूराणी, बी अर्थात भगवान भाई कुकड़िया तथा कार्प इंपैक्स, ये चार भाई के नाम के प्रथम अक्षर दर्शाते हैं, अर्थात किशोर भाई मालदार फैमिली के सहयोग से निर्माण किया गया है। और इस विद्या संकुल में अंग्रेजी माध्यम CBSE का शुभारंभ माननीय श्री सच्चिदानंद जी की उपस्थिति में 27 अप्रैल 2009 अखात्रीज के शुभ दिवस पर किया गया। संस्था में दोनों माध्यम के लिए अलग भवन की सुविधा की गई है, जिनके नाम पीपी लाठिया किंडरगार्टन का नाम हमारे मुख्य दाता श्री धर्म भाई लाठिया और उनके परिवार से है। बलर नावड़िया प्राइमरी स्कूल का नाम हमारे मुख्य दाता श्री मनु भाई बलर और ईश्वर भाई नावड़िया और उनके परिवार से संबंधित है। जेपी कांसोदरिया सेकेंडरी स्कूल का नाम मुख्य दाता स्वर्गीय श्रीमान जेपी कांसोदरिया और उनके परिवार से संबंधित है। मातृश्री दवलबा मुंजानी हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम हमारे मुख्य दाता श्रीमान मोहन भाई मुंजानी और उनके परिवार से है। संस्था में भोजनशाला का निर्माण 15 अगस्त 2011 में हुआ, जिसके मुख्य दाता श्री अरविंद भाई मावाणी और उनका परिवार है। संस्था ने जून 2011 में गुजराती माध्यम शाला की शुरुआत की और जून 2015 से गुजरात बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम शाला की शुरुआत की गई और इसके साथ जी जी झड़फिया एडमिन भवन बना, जिसके मुख्य दाता श्री धनजी भाई झड़फिया और उनके परिवार से संबंधित है। हाल में नई कन्याशाला जो शुरू की है, उसे क्रमशः 12 कॉमर्स साइंस तक ले जाने का आयोजन है। इसके उपरांत ऑडियो वीडियो रूम और मल्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हॉल के मुख्य दाता श्री गोविंद भाई काकड़िया और श्री नारायण भाई भड़ियादरा हैं। दो विशाल पुस्तकालय जिसमें 15,000 से भी ज्यादा पुस्तकें हैं, जिसके मुख्य दाता श्री मोहन भाई मुंजानी और उनका परिवार है। इसके अलावा स्कूल में एक्टिविटी हॉल, लैब्स जिसमें 7 कंप्यूटर लैब, 2 केमिस्ट्री, 2 फिजिक्स, 2 बायोलॉजी, लैंग्वेज, मैथ्स लैब्स का समावेश है,
जो अन्य दाताओं के दान द्वारा निर्माण किया गया है। विधवा, तलाकशुदा और अपंग व्यक्ति के बालकों के लिए संस्था की तरफ से गुजराती माध्यम में संपूर्ण फी माफ है और अंग्रेजी माध्यम में 50-100% तक फी माफ है। और गरीबी रेखा से नीचे के विद्यार्थियों के लिए संपूर्ण फी माफ है। 13,000 से ज्यादा बालक कैंपस की दोनों माध्यम की शालाओं में पढ़ रहे हैं और विद्या संकुल का लक्ष्य क्रमशः 20,000 बालकों को कैंपस में पढ़ाने का है। संस्था शिक्षण की गुणवत्ता के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती है और बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए डिजिटल क्लासेस, विशाल ऑडिटोरियम, विशाल लेबोरेटरी, मल्टी एक्टिविटी हॉल और प्रार्थना हॉल बनाए गए हैं और इस संस्था में डोनेशन या विकास फंड के रूप में कुछ भी नहीं लिया जाता। शैक्षणिक फीस सीधे बैंक में ही जमा की जाती है। आम समाज को मेडिकल सुविधाएं मार्केट रेट से 50-70% कम दाम में और दवाइयां 20% कंसेशन में उपलब्ध हैं। मेडिकल और शिक्षण सुविधाओं में बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव किए बिना प्रत्येक व्यक्ति को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। फीस में कंसेशन सभी के लिए एक समान उपलब्ध है। जल्द ही विद्या संकुल में मेडिकल सेंटर और मेडिकल स्टोर शुरू करने का आयोजन है और किफायती दाम से सेवाएं भी उपलब्ध की जाएंगी।